Next. Lambat. Very, 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 very important, right? Full form. Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. LMVT. Lo ji sahab. If f is continuous in close A to B and differentiable in open A to B, रोल्स में तीन कंडीशन थी मेरे पास, क्लोज एसीबी में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन एसीबी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एक्सट्रीम पॉइंट पे सेम वैल्यू रखना चाहिए। लैग्रांजेज ने बोला कोई जरूरत नहीं है सेम वैल्यू रखने की, आप तो सिर्फ कंटिन्यूस और डिफरेंशियल बना दो, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू, अ नहीं यार, एटलीस्ट वन C belongs to open A to B such that F dash C barabar F of B minus F of A upon B minus A. ये बहुत अच्छी चीज बताता है एक्चुअली ये एलएमवीटी, एंड आप इसे बहुत आसानी से ऑब्वियस नहीं बोल पाओगे, जबकि है ऑब्वियस ही, लेकिन बहुत आसानी से ऑब्वियस नहीं बोल सकते। फिजिक्स में आपके कोई पार्टिकल जो मूव करता है, या आप बाइक चला रहे हैं सपोज करिए, तो ये बोल रहा है कि अगर आपने 5 मिनट तक बाइक चलाई, ये जो बोल रहा है, अगर आपने 5 मिनट तक बाइक ड्राइव करी और आपने सपोज 10 किलोमीटर तय किए, 10 किलोमीटर तय हो सकते हैं 5 मिनट में, ऐसी कोई बात नहीं है, स्पीड थोड़ी ज्यादा है माना, 120 km/h, गलत बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सही बोल रहा हूँ, गलत बहुत कम बोलता हूँ, योर स्पीड इज 120 km/h, नाउ दिस इज योर एवरेज स्पीड, ये आपकी एवरेज स्पीड है उस 5 मिनट के अंदर, ठीक है, और ये थ्योरम ये बोलती है एलएमवीटी कि जो 120 किलोमीटर पर आर की जो आपकी एवरेज स्पीड आई, ये उस 5 मिनट के अंदर किसी ना किसी टाइम के इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर जरूर होगी। यानी कि बहुत लॉजिकल सी बात ये कहने का मतलब है कि बिना 120 km/h को क्रॉस करके तो आप 120 किलोमीटर पर आर की एवरेज स्पीड ला ही नहीं सकते, इतना तो आपको चमकना चाहिए। अगर आप पूरे 5 मिनट में 120 से कम पे रहे हैं तो 120 एवरेज नहीं आ सकता, पूरे 5 मिनट में 120 से ऊपर रहे तो 120 एवरेज नहीं आ सकता, आपने उस 120 को उस 5 मिनट के अंदर तो डेफिनेटली क्रॉस किया होगा, तभी आपकी एवरेज स्पीड 120 आती है। आपको जिनको एवरेज का कंसेप्ट पता है उनके लिए बोल रहा हूं मैं बात, हाँ चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपको एक बहुत प्यारी चीज मिलेगी और आपको एक अच्छी चीज समझ में आएगी शायद, जो लोग भी लॉजिकल है उनके लिए, जैसे इस क्लास में भी 30-35-40 बच्चे बैठे हैं, इन सब की एज निकाल के ऐड करके अगर डिवाइड बाय 40 करा जाए तो सपोज 17.54 आता है, ऐसे आएगा आड़ डेटा फिगर, और प्रैक्टिकल हूँ सी सेइंग कि अगर 40 से डिवाइड किया तो फिर 17.54 कैसे आ सकता है, नाइस 17.50 ये तो आ सकता है,
चमक नहीं रहा है क्यों? चार हिस्से करने पे 25 25 25 ही बढ़ते हैं। मेरी बात तो चमकेगी नहीं किसी को, मेरी बातें सिर्फ उन्हीं को चमकेगी जो 12th की परसेंटेज बताने पे 79.7 बता देते हैं, उन्हीं को चमकेगी मेरी बातें। तो कोई भी नहीं ऐसा जिसको चमकता हो ये 12th की परसेंटेज। जब इंसान 79.7 बताए तो जहरीली मुस्कान उसको उसके चेहरे पे देख के वापस आ जाना चाहिए, केले बना रहा है साले। 79.7 किसी की आ ही नहीं सकती, 79.6 या 79.8 ही आएगी, क्योंकि 500 में से आ रही है। किसी भी चीज़ को 5 से डिवाइड करने पे एक नंबर के 5 ही हिस्से हो सकते हैं जो कि 0.2 होता है। अब भी नहीं चमक रहा तो मैं इससे ज़्यादा चमका ही नहीं सकता हूँ, इसलिए 40 से डिवाइड करने पे 0.50 आना चाहिए था। समझे? नाउ इट इज नॉट नेसेसरी। बाहर वाला चमक गया। 17.50, ये जो थ्योरम है ये बोलती है 17.50, जो भी आपने एवरेज एज निकाली आपकी क्लास की वो किसी ना किसी की एग्जैक्ट एज के बराबर होनी चाहिए, किसी ना किसी की एग्जैक्ट एज के बराबर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है। तो क्या एलएमवीटी गलत है? नहीं, एलएमवीटी ने कंटिन्यूस की कंडीशन डाली थी, आपने समझा ही नहीं। आप 40 लोगों का एग्जाम्पल लेके एलएमबीटी को प्रूव वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो मे बी यू विल गेट अ फेल फेलियर। सॉरी हो गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यूस सेट नहीं लिया। बात को समझना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। इन 40 की जगह अगर आप 40,000 लोग लेंगे और उनके एवरेज एज निकालेंगे तो आप बहुत क्लोज होंगे किसी एक के एवरेज एज के, क्लोज। जरूरी नहीं है भाई कि आप एवरेज एग्जैक्ट पहुंचो। बात को समझिए, आपका ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा आप आंसर के उतने नजदीक होंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूटी की तरफ जा रहे हैं। आप अगर एज का एक ग्राफ बनाएंगे ना उसमें, उस केस में तो आपको कंटिन्यूस ग्राफ मिलने की उम्मीद है। अगर आपके लोग बढ़ जाएंगे तो आपको हर एज का आदमी मिलता जाएगा, तो हर एज का आदमी मिलता जाएगा तो कंटिन्यूटी बढ़ती जाएगी जितने लोग बढ़ते जाएंगे। नहीं तो एक की एज 17.3 है, अगले की एज 17.4 है, तो बीच में गैप आ गया ना भाई साहब। बात को समझने की कोशिश करिए, समझ में आ रही है क्या? तो अगर इसने कंटिन्यूटी पे कमेंट किया भाई, और जब आप पार्टिकल को मूव कराते हैं तो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस बनते हैं, सही है? कोई भी आदमी जीरो से लेके, वो एड में उसने दे दिया भाई साहब 0 से 60 आप लोग 5 सेकंड पहुंच जाएंगे। भाई शांत गदारी, 0 से 60 भले 5 सेकंड पहुंचो लेकिन क्रॉस सारी स्पीड करोगे बीच की। 1 KMPH भी क्रॉस करी है, 2 KMPH भी, 1.5 भी करी, 1.25 भी करी, 2.5 भी करी है। सब 2.5 क्या होता है भाई, 2.5 यार, 2.5 भी करी है, सही है? क्रॉस आपने सारी स्पीड करी है। तो अगर आप किसी इंटरवल में एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तो वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर रही होगी, ये एलएमबीटी कहता है। अब इसे ग्राफिकली देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। कोई भी ग्राफ अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ना टूटा स्मूथ ग्राफ, ये नया अच्छा नाम आ गया भाई, ना अनटूटा स्मूथ ग्राफ किसी इंटरवल में, तो ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये ए बी नाम की एक सीकेंट है, क्या है? और इस सीकेंट का स्लोप मुझे पता है, जल्दी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, मानती है? बोलो। एलएमबीटी सिर्फ ये बोल रहा है कि भाई साहब ये जो आपने निकाला है ना, इसे एवरेज स्पीड बोलते हैं किसी टाइम इंटरवल में, है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, वो यही है ये किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम बीच में 100% कम से कम एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जिस पे खींची गई टेंजेंट, जिस पे खींची गई इस लाइन के स्लोप के या इस लाइन के पैरेलल आएगी, इस लाइन के। यही तो कह रहा है, यही कह रहा है भाई। इस पॉइंट को क्या बोला गया है? सी। और एफ डैश सी की वैल्यू निश्चित रूप से कम एक बार तो इसके बराबर होगी। यार मास्टर यहां तो एक ही बार दिख रही है। अरे यार, तो ग्राफ टर्न करके ऐसे वापस भी तो जा सकता था। नहीं समझे? अरे समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या ये रोलीज थ्योरम का जनरलाइज्ड वर्जन है? यस, रोलीज थ्योरम इसका एक स्पेशल केस है।
जब एक्सट्रीम पॉइंट सेम हो जाते थे तो ये ग्राफ घूम के ऐसे हो जाता था, बस इतना ही हुआ है। जैसे ही ए और बी की वैल्यू सेम होगी तो ग्राफ घूम के ऐसे हो गया, तो ये टेंजेंट लाइन हॉरिजेंटल होगी तो डिफरेंशियल जीरो होने लग गए। वही तो हुआ ना, एफ बी और एफ ए सेम करोगे तो एफ डे सी के लिए जीरो आ जाएगी। सो रोलीज थ्योरम इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एल एम यू टी। ठीक है, अरे क्लियर है? ठीक है, समाज ने बोला यार हमें तो प्रूफ दिया, ऐसे नहीं होता भाई साहब, व्हाट इज दिस? तो हमने ले लो यार, प्रूफ तो बहुत सिंपल है। व्हेन वी हैव द पावर ऑफ रोलीज एंड द प्रूफ इज वेरी सिंपल, लेटो लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मैं सही बता रहा हूँ, देखो मैं तो क्या, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मेरा मास्टर तो क्या रटटा के आता था, बता जाता तो मैं गुस्सा करता रहता था। सुन सर, तेरे को तो सपने आ जाते हैं, हमें कहाँ से आएंगे? बात सही है, इतना गंदा फंक्शन कैसे कोई सोच सकता? अबे यार इसी से सोचा है, बुद्धि लगा थोड़ी सी बुद्धि लगा, ज़्यादा दूर भी नहीं सोचना, बहुत थोड़ा सा सोचना, चिन्नू सा, इसी से सोचा है। अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है किसी इंटरवेल में, इसके इंटीग्रल के बारे में सोचो ना, इसके इंटीग्रल पे अगर मैं रोलीज लगा पाया तो ये प्रूव हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल एफ डैश का इंटीग्रल एफ, रामलाल का इंटीग्रल रामलाल इन टू एक्स, ये तो कांस्टेंट है ना, समझ रहे हो क्या यार? अच्छा तो ये फंक्शन सोच लिया मैंने, सब क्लियर है क्या? एफ को कंटिन्यूस और डिफरेंशियल बोला गया था, ये दो कंडीशन तो इसने भी मानी है, दो कंडीशन तो इसने भी ली है कि भाई साहब टूटा नहीं होना चाहिए और चौंची नहीं होनी चाहिए। तो कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल अगर है फंक्शन, तो जी एक्स भी कंटिन्यूस डिफरेंशियबल होगा। क्यों? क्योंकि जी एक्स इसका और एक लीनियर का डिफरेंस है। क्लियर है? तो जी एक्स कैसा फंक्शन हुआ? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। अब सिर्फ एक चीज चेक करनी रह गई, क्या एंड पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ जाए है? तो उसके लिए क्या क्या निकालना है मेरे को जरा बताना, जल्दी से बोलो। एफ ऑफ ए नहीं गेले या जी ऑफ ए, यहाँ पे एक्स की जगह क्या डाल दूँ? ए डाल दूँ, उसके बाद क्या होगा? एलसीएम है? अरे बोल लो भाई। तो लिख रहा हूँ क्या बनेगा, बेवफा, अरे यही बनेगा, बैरू जी ना मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ। आफत, ये आफत हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता, बेवफा आफत अपॉन बी माइनस ए, अपॉन बी माइनस ए, ये जी ऑफ ए आ गया। और पता है कमाल की बात क्या है? नहीं पता ना, जी ऑफ बी भी यही है, मजाक थोड़ी चल रहा है यार, वो तो होगा ही, नेचुरल सी बात। अगर एल एम बी टी दे के गया है तो प्रूफ तो होगा ही, तो प्रूफ होगा तो ये सेम भी होंगे। क्यों? क्योंकि फिर रोल ही जाएगा बोलने के लिए, देखो मेरी जरूरत पड़ी ना तुम्हें, मेरा स्पेशल केस बोल रहे थे। अब एज पर रोलीज थ्योरम या अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम there must exist a c belongs to open a to b such that g dash c is equals to 0 implies, इसका डिफ्रेंशिएशन करके अगर c रख देंगे इसमें तो क्या बनेगा? वही बनेगा भाई, f dash c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। नोट फर्स्ट, सही बात है, सोचो, तुम सोचो भाई, हम नहीं सोचते, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ उसी को लेके, उसी को कहाँ प्रूव किया है? मत सुनो, तुम लोग छापो,
तुम लोग मत सुना करो, ये क्रांतिकारी शब्द है, हमें दूसरी क्रांति लानी है, खून खराबे वाली नहीं लानी, खुद का ही खून हो जाएगा। फर्स्ट रोलीज थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी, सेकंड ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन, द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल ऑफ एन इंटरवल is equals to the slope of the tangent line is equal to the slope of the tangent line English banana drawn at some point in between कैसे बोलेंगे? और ऐसे ऐसे ये देखो लिख लेगी खुद, ऐसे लोग बहुत बड़े गंदे होते, खुद तो लिख ली कॉपी में, हमें बता ये तुम लोग इंग्लिश कितनी खराब है भाई। मैंने खुद खुद कुछ तो बना दिया, ड्रॉन एट सम पॉइंट इन बिटवीन, और इन बिटवीन के आगे बैठ नहीं रहा है, नहीं नहीं पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, तुमने पूरा स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ा। ज्योमेट्रिकली द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट सम पॉइंट इन बिटवीन, बस सही, ये इतना ही काफी है, ये स्टेटमेंट भी पूरा ही है वैसे, तुम लोगों से तो हो नहीं पाएगा, मैंने बना दिया, ड्रॉन एट सम पॉइंट इन बिटवीन। मुद्दे की बात समझ गए ना तुम, बस बाकी तो ट्रू फॉल्स, वहां तो स्टेटमेंट लिखा आएगा ही, तुम्हें थोड़ी बनाना है, एटलीस्ट कोई बैठा ही नहीं बीच में। वो ए एंड बी मैंने इसलिए यूज नहीं करा क्योंकि मैंने इंटरवल में ए भी नहीं बोला, मैं इंटेलिजेंट हूँ बहुत, एटलीस्ट वन आना चाहिए ना। हाँ लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट है भाई। सेकेंड, हाँ सेकेंड हो गया है, बोल रहा हूँ, थर्ड बोल रहा हूँ ना, आगे कमाल कर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये अभी जो हमने लिखी है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस थी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन ओवर एन इंटरवल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट सम पॉइंट इन बिटवीन। ये एक्चुअली क्या ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट है, ये एलएमवीटी के स्टेटमेंट थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो एलएमवीटी से जो हमने ट्रू फॉल्स के लिए स्टेटमेंट निकाल ली है, किसी भी इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला जाएगा वो उसके किसी ना किसी पॉइंट के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा, अब वो एक पॉइंट पर हो चाहे 10 पॉइंट पर, आई डोंट केयर। चलिए।